मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश स्थापना के दिन हुए उपद्रव के मामले में हिंदू संगठनों ने पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अचानक रतलाम एसपी का तबादला कर दिया गया। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में रतलाम एसपी राहुल कुमार लौढ़ा का तबादला होते ही राजनीति गर्मा गई। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर अपने एक्स हैंडल पर सरकार को घेरा। दिग्विजय सिंह ने लिखा, पुलिस ने पूरी ईमानदारी से काम किया, इसलिए रतलाम एसपी की प्रशंसा करने के बजाय बीजेपी सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। इसका जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान के प्रति दिग्विजय सिंह के प्रेम के लिए उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को भी सम्मानित करना चाहिए दुनिया के अंदर, क्योंकि वो उनकी जो भाषा, उनके जो शब्द और उनके जो पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम, ओसामा बिन लादेन से लेकर के उनका सबका सम्मान करने वाले दिग्विजय सिंह जी ही और कौन है इस देश के अंदर। तो मुझे तो लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का भी सम्मान होना चाहिए। तो ये आज कांग्रेस इसी प्रकार की बातें कर रही है जो दुर्भाग्यजनक है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।